हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हॉस्टल पार्ट वन में। तो आप लोग वीडियो को रोज़ देखते हैं पर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरी आपसे विनती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपका 1 लाख से कुछ नहीं जाता पर हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो मेरी आपसे विनती है कि आप लोग मेरी हर वीडियो को पूरा देखा करें एंड लाइक एंड कमेंट ज़रूर किया करिए। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कुछ दोस्तों को जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यूरोप शहर में घूम रहे होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं। उसी दौरान उन्हें एक क्लब दिखाई पड़ता है। वो लोग क्लब के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर स्मोकिंग हो रही होती है। वो सभी दोस्त अपनी ज़िंदगी में पहली बार स्मोकिंग करते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता होता है ये क्या है। तभी उनका दोस्त कहता है कि इसे पीने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और वो लोग स्मोकिंग करने के बाद डांस करने चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक आदमी आता है और उन लोगों को डांस करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से जोश की उस आदमी से लड़ाई हो जाती है और तीनों ही दोस्त इसी वजह से उस पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जब वह वापस लौट के आते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि उनके होटल का दरवाज़ा बंद हो गया है। और जब वो अपने होटल वाले से पूछते हैं तो कहता है कि दरवाज़ा सुबह खुलेगा, इसी वजह से सोसाइटी में सभी परेशान हो जाते हैं। तभी एलेक्स उन्हें अपने घर बुला लेता है और वो तीनों एलेक्स के यहाँ चले जाते हैं, जहाँ पर एलेक्स उन्हें एक ट्रिप के बारे में बताता है और एक हॉस्टल को दिखाता है अपने फ़ोन में। उस हॉस्टल को देखकर सभी वहां जाने का प्लान बनाते हैं। और जब वो लोग ट्रेन से जा रहे होते हैं तभी उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है जैन। जैन लोग से मिलता है और जोश से काफ़ी बातें करता है, पर तभी जोश गुस्सा हो जाता है और इस वजह से जैन वहां से उठ के चला जाता है। वह बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा होता है, इस वजह से उसकी बात कोई नहीं सुनता और वह वहाँ से निकल जाता है। तभी ट्रेन अपने स्टेशन पर पहुँच जाती है और तीनों दोस्त जब स्टेशन पर उतर के देखते हैं तो स्टेशन पर उन्हें कोई नहीं मिलता, पूरा का पूरा स्टेशन खाली होता है। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और एक कार में बैठकर उसी हॉस्टल के रास्ते पर निकल लेते हैं जहाँ पर वह हॉस्टल होता है। फिर वह लोग हॉस्टल को बाहर से देखते हैं तो वह हॉस्टल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। वो लोग अंदर जाकर हॉस्टल में कुछ पैसे देकर वहाँ पर कमरा लेते हैं, जहाँ पर उन्हें एक ही कमरा मिला होता है और एक ही कमरे में तीनों लोगों को रहना होता है। और रूम के साथ उन्हें कुछ रूममेट्स भी मिलते हैं जहाँ पर कुछ लड़कियाँ होती हैं। और वो लोग रात होने के बाद एक डांस क्लब में जाते हैं। जब वो लोग डांस कर रहे होते हैं तभी अचानक से जोश की तबीयत खराब हो जाती है। वह हॉस्टल से बाहर निकलकर आता है और एक जगह खड़े होकर अपनी दवाइयाँ खाने लगता है। जब वह दवाइयाँ खा रहा होता है तभी एक बच्चे की गैंग आती है और उसे पैसे मांगने लगते हैं। जब वह पैसे देने से मना करता है तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जो ट्रेन में उन्हें मिला होता है। जेन वहाँ पर आता है, बच्चों को पैसे देकर उन्हें वहाँ से ले जाता है। फिर वह जोश को बताता है कि वह बच्चे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे, इसीलिए मैंने उन्हें पैसे दे दिया। और फिर वो सभी जाकर सो जाते हैं और सुबह होती है तो सुबह उनका एक दोस्त गायब होता है जिसका नाम होता है ओली। ओली वहाँ पर नहीं होता है और वो दोनों ओली को खोजने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। वह पूरे शहर में घूमने लगते हैं और बाहर जाकर ओली को ढूंढने लगते हैं, पर ओली कहीं भी नहीं होता है। फिर वो लोग मैनेजर से जाकर पूछते हैं, जहाँ पर मैनेजर से कहता है कि ओली कल रात को निकल गया है। यह सुनकर जोश और पैक्सटन काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इससे पहले कभी भी ऐसा सुनने को नहीं मिला था। वो तीनों हमेशा साथ में रहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ओली का जॉकेट पहनकर एक आदमी वहाँ से निकलता है जिसे जोश और पैक्सटन पीछा करते हैं। उसका पीछा करने के बाद जब वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये जैकेट कहाँ से मिला, तभी वह गुस्से में बात करता है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है ओली का कटा हुआ सर, उसका सर काट कर किसी ने उसे वहाँ पर रख दिया होता है और यह देख कर वो दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं। वहाँ पर हमें एक किलर्स को दिखाया जाता है जो कि पूरे हॉस्टल में अकेला घूम रहा होता है और जो भी स्टूडेंट गायब होते हैं वह उन्हें मार देता है। इस वजह से वहाँ जो भी गायब होता है वो समझ लो मारा ही जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि वह भी वहाँ पर बंधी होती है, वह किलर्स उसे भी मार देता है। और इधर जोश और पैक्सटन काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि ओली उन्हें नहीं मिलता है। और फिर रात हो जाती है, वो लोग फिर से पार्टी में जाते हैं और पार्टी में जाने के बाद वो ओली के बारे में ही सोच रहे होते हैं। और तभी जोश की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा नशा कर लिया था। इस वजह से जोश की काफ़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से वह पार्टी छोड़कर अकेले ही वहाँ से निकल जाता है। और जब वह अपने रूम में आता है तो बिस्तर पर सो जाता है। अब पार्टी में सिर्फ और सिर्फ पैक्सटन बचा होता है, इसलिए वह बोर होने लगता है और वह अकेले होने की वजह से वही पार्टी से चला जाता है। वह एक जब पार्टी से निकल कर आ रहा होता है तो वह एक रूम में चला जाता है और गलती से रूम का दरवाज़ा लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से पैक्सटन वहीं पर बैठ जाता है और सो जाता है क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा नशे में होता है। इस वजह से पैक्सटन को पता नहीं चलता वो कहाँ पर है और वह उसी लॉक रूम में सो जाता है। फिर सुबह होती है और सुबह में दिखाया जाता है कि एक आदमी जोश को किडनैप कर उसे बांध दिया है
और जब जो उसकी आंखें खुलती है तो वह अपने सामने उस किलर्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। पर वह किलर्स उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता है। वह उसके पैर में एक ड्रिलर मशीन से छेद कर देता है जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। वह ज़ोर ज़ोर से चीखता है कि मुझे छोड़ दो, पर वह किलर्स उसे नहीं छोड़ता। और जब किलर्स अपना मास्क हटाता है तो उसे देखकर जोस काफ़ी ज़्यादा तंग रह जाता है, क्योंकि यह वही आदमी होता है जो कि जोस को ट्रेन में मिला होता है, जिसका नाम जेन है। और जेन अब उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देता है और जेन्स के जब पीछे से एड़ियाँ काट देता है तो जोस से कहता है तुम अब घर जा सकते हो। और तभी जब जोस उठता है तो उसकी एड़ियाँ कटी होने की वजह से वो उसी धरती पर गिर जाता है और घिसर घिसर के आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तब भी वह किलर्स उसे नहीं जाने देता। वह जोस को रोक लेता है और जोस की पीठ पर बहुत ज़्यादा कट लगा देता है। कट लगाने की वजह से जोस बहुत जोर से चीखता है और उसकी डेथ वहीं पर हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है पैक्सटन को, जो कि अब सुबह होकर उठता है और सुबह उठने के बाद वह होटल में जाकर मैनेजर से पूछता है कि मेरा दोस्त कहाँ गया है, जहाँ पर मैनेजर उसे बैग देता है और कहता है तुम्हारा दोस्त जोस जा चुका है। लेकिन वह उसे भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि इससे पहले जोस ने उसके साथ ऐसा कभी नहीं किया होता है। इस वजह से वह उसे बहुत सी कॉल्स लगाता है पर कॉल्स नहीं लगती। फिर वह इधर उधर उसे ढूंढता है और बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि इससे पहले हॉली भी उसे जैसे ही छोड़कर चला गया था और अब जोस चला गया है। इस वजह से वह बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। अब पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वह जोस की कंप्लेंट लिखा देता है और जोस की कंप्लेंट मिलने पर पुलिस वाले कहते हैं कि क्या पता वो चला गया हो, लेकिन उसे भरोसा नहीं होता है। इस वजह से वह जोस को लगातार ढूंढता ही रहता है। फिर उसे एक लड़की दिखाई पड़ती है जो कि जोस के साथ ही रह रही होती है। वह उन लड़कियों से पूछता है जाकर कि जोस कहाँ पर है। तभी वह लड़की उसे कहती है कि जोस तो यहाँ से चला गया, लेकिन तब भी उसे भरोसा नहीं होता। वह बार बार पूछता है, फिर वो लड़की कहती है ठीक है मैं तुम्हें जोस के पास ले चलती हूँ। और वह पैक्सटन को एक कार में लेकर जोस के पास लेकर जाती है और कार इतनी सन्नाटे जगह जाती है कि उसे भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन तब भी वह अपने दोस्त को ढूंढने के लिए उसका साथ चला जाता है। और जब वहाँ पर कार रुकती है तो एक सन्नाटे जगह पर बहुत से आदमी होते हैं। वह एक बाहर खड़े आदमी से पूछता है कि अंदर क्या हो रहा है, जहाँ पर वह आदमी कहता है कि अंदर बहुत कुछ होता है। फिर वह मेन गेट पर जाने के बाद उस घर की टिकट लेता है, पर टिकट देने से मना कर देता है और कहता है तुम्हारे लिए फ्री है। पैक्टन यह सुनकर काफ़ी घबराता है और जब अंदर जाता है तो वह जोस की हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी कटी बटी होती है और वह सर्जन उसकी सर्जरी कर रहा होता है उसके शरीर से सभी ऑर्गन निकाल कर। यह देखकर पैक्सटन बहुत ही तेज़ी से वहाँ से भागता है, लेकिन जैसे ही वह पीछे जाता है तो वह लड़की को देखता है। वह लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है और वह लड़की को गाली देने लगता है। पर तभी कुछ आदमी आते हैं और पैक्सटन को पकड़ लेते हैं। फिर वह लड़की और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तभी हमें दिखाते हैं कि यह लड़की उन्हीं लोगों के लिए काम कर रही थी जो कि इस होटल के मालिक होते हैं, और इस होटल में जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनको पकड़कर इसी होटल में काट कर रख दिया जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि पैक्सटन को वो किलर्स एक कुर्सी से बांध देते हैं और पैक्सटन से कहते हैं कि तुम बोलो। जब पैक्सटन बोलता है तो उन्हें उन लैंग्वेज सुनकर उन्हें यह पता चल जाता है कि यह अमेरिकन है, और यहाँ पर अमेरिकन का बहुत ही बुरा हाल किया जाता है। जो भी अमेरिकन यहाँ पर आता है उन्हें वो लोग बहुत बेरहमी से मार देते हैं। फिर वहाँ पर एक किलर आता है जिसका नाम होता है पेट। पेट एक जर्मन सर्जन होता है, इसलिए हम लोग इसे जर्मन सर्जन ही कहेंगे। तभी हमें दिखाते हैं कि उस जर्मन सर्जन ने पैक्सटन की उंगलियों काट दी है। इस वजह से पैक्सटन भी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और अपनी हेल्प करने के लिए किसी को बुलाता है, पर वहाँ पर कोई नहीं आता क्योंकि यह पूरा एरिया उन्हीं लोगों का होता है। तभी वह किलर दोबारा आरी लेकर आता है और पैक्सटन को मारने के लिए। जब वह पैक्सटन के पास आता है तो उसकी कटी हुई उंगलियों के ऊपर उस किलर का पैर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वह फिसल कर गिरता है और उसकी आरी उसी के ऊपर गिर जाती है। और चलती हुई आरी जब उसके पैर से टच करती है तो उसका पैर कट जाता है। इतनी देर में पैक्सटन एक पिस्तल उठाकर उसे शूट कर देता है और अपनी जान बचा लेता है। फिर वह जब उस रूम से बाहर निकलता है तो उसे एक आदमी बैठा हुआ देखता है। फिर वह वापस अंदर जाता है और एक प्लान बनाकर जोर जोर से चीखने लगता है। उसकी चीख सुनकर जल्दी से वो आदमी अंदर आता है और उसे भी पैक्सटन गन से शूट कर देता है। और फिर पैक्सटन वहाँ से निकलकर एक लिफ्ट में जाता है और लिफ्ट की मदद से वह वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। बट तभी अचानक से उसके सामने एक और किलर आ जाता है, जिसकी वजह से वह डरते हुए एक रूम के अंदर घुस जाता है। और जब वह रूम के अंदर जाता है तो उसे एक और किलर दिखता है जो कि एक आदमी को पूरी तरीके से काट कर रखा होता है। और पैक्सटन उन्हीं कटे हुए लोगों के बीच जाकर लेट जाता है, जहाँ पर उसे ट्रॉली में भरकर और सभी कटे हुए लोगों को उठाकर एक ट्रॉली में रखा जाता है। और उस ट्रॉली को वहाँ से वह किलर लेकर जाए
जाने लगता है। फिर वह ट्राली को रख कर उनके छोटे छोटे पीस करता है, उनके जरूरी सामान वहाँ से निकाल लेता है और बाकी बॉडी आग में चलाने लगता है। जब वह ऐसा कर रहा होता है तभी पैक्सटन अचानक से उठता है और उसे एक हथौड़ा मिल जाता है जिसकी मदद से वह उस किलर्स को मार देता है। और किलर्स को मारने के बाद जब वह भागने के लिए लिफ्ट में जाता है तो इस बार लिफ्ट का बटन सबसे ऊपर जाकर खुलता है और जब लिफ्ट खुलती है तो वह एक रूम में जाता है और वहाँ पर उसे कुछ साफ कपड़े मिलते हैं। पैक्सटन उन कपड़ों को पहन लेता है और उसके हाथ कटे होते हैं, इस वजह से वह लेदर के दस्ताने पहन लेता है जिसकी वजह से उसका खून बाहर ना निकले। तभी वहाँ पर एक किलर आता है जिसका नाम होता है रिक। रिक को अमेरिकन से बहुत ज़्यादा नफरत होती है इसलिए उसका नाम हम रखेंगे अमेरिकन क्लाइंट। फिर वहाँ से पैक्सटन चला जाता है और जब वह गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने के लिए तैयार होता है तभी अचानक से एक लड़की की चीखने की आवाज़ आती है। वह उस लड़की की आवाज़ सुनकर वापस बिल्डिंग के अंदर जाता है और उसके पास गन होती है इस वजह से वह डरता नहीं है। तभी वहाँ पर उस अमेरिकन क्लाइंट को देखता है और उसे गन से शूट कर देता है, लेकिन शूट करने से पहले वह अमेरिकन क्लाइंट ने एक लड़की को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घायल कर देता है। वह उस लड़की को एक वेल्डिंग मशीन से उसकी आँख में छेद कर देता है जिसकी वजह से उसका बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा होता है और उसकी आँख लटक जाती है जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। फिर पैक्सटन एक कैंची उठाकर उसकी आँख काट देता है और फिर हमें दिखाते हैं कि वो दोनों वहाँ से छुप छुप कर निकल रहे होते हैं, लेकिन उन्हें सभी किलर्स देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। वो लोग छुपते छुपाते वहाँ से निकलते हैं और एक कार में बैठते हैं। फिर वो लोग कार स्टार्ट कर बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल रहे होते हैं और वह लड़की उस कार में बैठे बैठे बेहोश हो जाती है। फिर पैक्सटन जब कार को रोड पर लेकर आता है तो उन्हें वही लड़कियाँ दिखाई पड़ती हैं जो कि उसके दोस्तों और उसे फंसाई होती हैं। इस वजह से वह गाड़ी को धीमी नहीं करता है और स्टार्ट कर उन लोगों के ऊपर ठोक देता है, पर उनमें से एक लड़कियाँ जिंदगी बच जाती है। फिर वह पैक्सटन गाड़ी रिवर्स लेता है और उस लड़की को ऊपर चढ़ा देता है और वह लड़की वहाँ पर मारी जाती है। फिर पैक्सटन अपनी गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करता है और जब वहाँ से गाड़ी लेकर जाने वाला होता है तभी कुछ बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं और उसे पैसे मांगते हैं, लेकिन उसकी गाड़ी में बहुत सारी कैंडीज रखी होती हैं। वह सारी की सारी कैंडीज उन बच्चों को दे देता है और उसका किलर्स पीछा करते हुए जब किलर्स वहाँ पर आते हैं तो वह बच्चे उन्हें रोक लेते हैं और जब किलर्स उन्हें मारने की धमकी देते हैं तो वो लोग पत्थर से उन किलर्स को मारने लगते हैं और किलर्स को इतने ज़्यादा पत्थर मारते हैं कि वो लोग बेहोश हो जाते हैं। और वो लोग बेहोश होने के बाद वो सभी बच्चे उन लोगों को हथौड़े से मार देते हैं और उन्हें जान से मारने के बाद आपस में कैंडी बांट कर खाने लगते हैं। फिर किसी तरीके से पैक्सटन वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है और कुछ दूर जाने के बाद कुछ पुलिस वाले वहाँ पर होते हैं। वो पुलिस वाले भी उस किलर से मिले होते हैं क्योंकि पैक्सटन के बाद पुलिस वालों ने नहीं मानी होती है या पैक्सटन को पता होता है, इस वजह से वह गाड़ी वहाँ पर खड़ी कर देता है और चुप से रेलवे स्टेशन की तरफ से छुपते छुपते चला जाता है। जब वह रेलवे स्टेशन पर जाता है तो उस लड़की को होश आ जाता है। तभी वह लड़की अपना फेस शीशे में देखती है और उसकी आँख न होने की वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा अपना चेहरा देख कर घिन आती है, इस वजह से वह जाकर चलती हुई ट्रेन के सामने कूद जाती है और उसकी डेथ वहीं पर हो जाती है। फिर सभी किलर्स मिलकर उसे ढूंढ रहे होते हैं, पर हमें दिखाते हैं कि पैक्सटन बहुत ही चालाकी से उस ट्रेन के अंदर जाकर बैठ जाता है और जब वह ट्रेन के अंदर आराम से बैठकर जा रहा होता है तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं जो कि जैन की होती हैं। जैन वही किलर होता है जो कि उन्हें ट्रेन में सबसे पहली बार मिला होता है। वह जैन का पीछा करने लगता है और जब जैन पब्लिक सोसाइटी में आता है तो उसकी एक बेटी भी होती है जो कि उसकी बेटी टॉयलेट करने जाती है और तभी वहाँ पर पैक्सटन भी उसका पीछा करते हुए जाता है और उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है। उसकी उस बेटी को इसलिए किडनैप करता है क्योंकि उसने बहुत से लोगों को मारा होता है और जैन अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बहुत ही रोता है। वह इधर उधर घूम कर अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है पर पैक्सटन उसकी बेटी को किडनैप कर उसी ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन आगे चली जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि वह किलर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। मेरे ख्याल से पैक्सटन ने अच्छा ही किया क्योंकि उसकी बेटी को नहीं पता होता है कि उसका डैड क्या करता है। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।